टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे पहले टेस्ट के पहले दिन की पांच बड़ी बातें। नंबर एक, जंग लगी दिखी साउथ अफ्रीकन पेस अटैक। पेस अटैक के लिए जाने वाली साउथ अफ्रीकन टीम अपना बेस्ट देने में असफल रही। कगिसो रबाडा अक्सर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पहले दिन वह 135 के आसपास की ही रफ्तार में उलझे रहे। स्पिनर केशव महाराज भी अपना लय पाते नहीं दिखे। नंबर दो, निर्णय पर सवाल। नगीडी ने भले ही विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हों, लेकिन टीम उन्हें दूसरे नए बॉल थमाने में काफी देर कर दी। वहीं मार्को जॉनसन अपनी टीम के लिए अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवा सकते थे, लेकिन डिकॉक ने कैच ड्रॉप कर दिया। इसके बाद उनके सेलेक्शन पर उंगलियां उठने लगी हैं। डुवाने ओलिवर के गेम ब्रेकिंग क्वालिटीज कहीं नहीं दिखी। नंबर तीन, डरने वाली नहीं है टीम इंडिया। टीम इंडिया ने ऐसी टीम होने का कोई संकेत नहीं दिया जो तेज गेंदबाजों द्वारा तेज पिच पर भयभीत हो सके। इंडियन बैट्समैन ने बेमिसाल पेशेंस दिखाया। अजिंक्य रहाणे ने नगीडी की बॉल को हुक करते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाया। यह साबित करने के लिए काफी था कि यह वह टीम नहीं है जिसे अग्रेसिव बॉलिंग से झुकाया जा सकता है। नंबर चार, केएल राहुल का क्रिकेटिंग टेक्स्ट बुक स्टाइल। केएल राहुल नाबाद 122 रनों पर खेल रहे हैं। उनका यह क्रिकेटिंग टेक्स्ट बुक स्टाइल की बैटिंग वाकई लाजवाब रही। उन्होंने हर एक खराब बॉल को ठिकाने लगाया। नंबर पांच, सवालों में विराट कोहली का मेंटल गेम। विराट कोहली ने अपनी छोटी पारी में यह तो दिखा दिया कि उनके बुक में अभी भी सभी शॉट्स पहले जैसे ही हैं, लेकिन साथ ही उनका आउट होना यह भी दिखला गया कि वह फिलहाल अपने बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। आप भी मैच से संबंधित अपनी राय से हमें कमेंट कर अवगत कराएं।